एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वेन रोहन का मौत हो चुका था, जिसे विंग ने ही किया था। एंड देन बाकी वेन्स लाइक वेन चिंग एंड बाकी मेडिसिन डिपार्टमेंट बुरल माउंट्स में आए थे विंग के साथ रहने के लिए, क्योंकि उनके पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं था। एंड लंचन ने भी अप्रूव कर दिया था। अब वो लोग वहाँ पर ही रह रहे थे। धीरे धीरे वेन्स का वहाँ पर रहने का आदत हो चुका था। एक हफ्ते में उन लोगों ने बहुत सारा घर बना लिया अपने लिए। उनके पास बहुत सारे फर्नीचर्स आ गए एंड सारी ज़रूरतों की चीज़ें उन लोगों ने खरीद लिया। अब उन सबके पास वहाँ पर रहने के लिए घर था। अब विंग एंड लंचा के घर पे सिर्फ लंचा एंड विंग ही रहता था। अब बुरियल माउंट्स अकेला नहीं रहा, वहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए। वो एक छोटा सा गाँव ही बन गया। अभी तक काम ख़त्म नहीं हुआ था। हर रोज़ ही वो लोग वहाँ पर काम करते थे, नई नई पेड़ पौधे उगाते थे, खेती करते थे एंड विंग भी उन्हें हेल्प करता था हर रोज़। इस तरफ लंचा भी अपने घर के कामों में बिजी रहता था। आज भी वो लोग वैसा ही काम कर रहे थे एंड तभी आयुवान ने कहा कि उनके पास एक विजिटर आए हैं। जैसे ही लंचा एंड विंग ने उस विजिटर की तरफ देखा, उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो विजिटर कोई नॉर्मल विजिटर नहीं है। विंग ने देखा कि वो विजिटर बहुत ही एलिगेंट है, रिच है, वाइट कपड़ों में है एंड उनके हाथों में एक तलवार है। तभी लंचा ने कहा, मेरा भाई। लंचा के वॉइस से पता चल गया कि लंचा कितना प्लीज्ड है। लंचा जल्दी जल्दी अपने भाई के पास चला गया। लंचा ने रन नहीं किया। विंग को पता है, चाहे लंचा को कितनी भी जल्दी क्यों ना हो, वो कभी भी अपने रूल्स को नहीं भूलता। लंचा अपने भाई के पास चला गया एंड विंग दूर से उन दोनों को देख रहा था एंड सोच रहा था, ऑफकोर्स लंचा का भी एक फैमिली है। एंड लंचा ने विंग को अपनी फैमिली के बारे में बताया भी है। विंग को पता है कि लंचा का पेरेंट्स मर चुके हैं, लंचा के पास सिर्फ अंकल एंड भाई ही है। एंड लंचा ने विंग को बताया था कि उसने अपने भाई को लेटर भेजा है एंड मिलने के लिए बुलाया है अपने शादी के दूसरे दिन ही, तो शायद इसलिए ही उसका भाई आज यहाँ पर आया है। विंग देख रहा था लंचा का भाई कितना ब्यूटीफुल है, एलिगेंट है, बिल्कुल लंचा की तरह। वो दोनों बिल्कुल सेम ही दिखते हैं। विंग को बताया कि लंचा अपने घर से सेटिस्फाइड है, बट जैसे ही विंग ने लंचा के भाई की तरफ देखा, उन्होंने उसके आईज में हॉरिफाइड लुक देखा। ये देख के विंग को पैनिक हो गया। विंग तो भूल ही चुका था कि ये घर किसी और के लिए कितना हॉरिफाइड हो सकता है, स्पेशली सेक्ट लीडर के लिए। ऑफकोर्स वो कहीं भी नहीं चाहते थे कि उनका भाई ऐसे घर पर रहे, वो भी एलिंग पैट्रियक के साथ। वो ज़रूर चाहते थे कि उनका भाई एक रिच फैमिली में रहे, लग्जरी के साथ, जहाँ पर बहुत सारा सर्वेंट्स हो, बहुत सारे ज्वेलरीज हो, सिल्क्स हो एंड बहुत सारे फर्नीचर्स हो। ये सब सोचते हुए विंग ने लंचा की तरफ देखा और देखा लंचा के बॉडी में कोई भी सिल्क नहीं है, क्योंकि शादी के दूसरे दिन से ही लंचा ने अपने सारे सिल्क के कपड़े पहनना छोड़ दिया था एंड वो नॉर्मल कॉटन के कपड़े पहन रहा था। एंड विंग इसके लिए वरिड नहीं था, उसे लगा था शायद इसमें लंचा कम्फर्टेबल है। बट आज जब विंग अपने आप को लंचा के भाई के जगह पर देखकर सोच रहा है, उसे रियलाइज़ हो रहा है कि उसका भाई कितना बुरा फील कर रहा होगा अपने छोटे भाई के लिए। विंग आसपास उनके बनाए हुए हाउस को देखने लगा एंड वो सोच रहा था, ये सच में कितना डर्टी है, बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है लंचा के लिए। लंचा का भाई क्या सोच रहा होगा, वो ज़रूर गुस्सा होंगे, सैड होंगे, उन्हें बहुत बुरा लगा होगा अपने भाई को देखकर, उसके हालात को देखकर। विंग ने लंचा के फेस की तरफ देखा। विंग ने देखा कि लंचा के फेस में हैप्पीनेस है, एक्साइटमेंट है एंड उसके भाई, वो भी अपने भाई को देखकर हैप्पी है, बट वो थोड़ा वरिड भी है आसपास सब कुछ देखकर। विंग यही सब सोच के घर के अंदर चला गया। विंग को बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था, बुरा फील हो रहा था, उसे डर लग रहा था। वो सोच रहा था अगर ये सब देख के उसका भाई लंचा के ऊपर गुस्सा हो जाए तो, अगर उसके फैमिली लंचा को डिजोन कर दे तो विंग ये सब नहीं सोच सकता, ये सब वो नहीं सह सकता। वो लंचा को हैप्पी देखना चाहता है। तभी विंग को याद आया कि लंचा के भाई के हाथ में एक तलवार है। विंग सोच रहा था ज़रूर लंचा के भाई ये सोच रहा है कि विंग ने लंचा को यहाँ पर बंदी बना कर रखा है एंड वो लंचा को यहाँ से लेके जाने के लिए आए हैं, ज़रूर ऐसा ही होगा। एंड ऑफ कोर्स वेन रोहन मर चुका है, अब लंचा को अपने लाइफ को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने फैमिली के पास वापस जा सकता है।
विंग ये सब सोच तो रहा था, बट इस थिंकिंग से विंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा था, पैनिक फील हो रहा था। जब वो ये सब सोच रहा था, उसके रूम के दरवाज़ा ओपन हुआ एंड अंदर लंजा एंड उसका भाई आया। लंजा ने अपने भाई को चेयर पर बैठाया और कहा, भाई ये मेरा हस्बैंड विंग है, विंग ये मेरा भाई लान सिचन है। ये बोल के लंजा टी केटल लाने के लिए किचन की तरफ चला गया। अब वहाँ पर जेबोचुन एंड विंग था। विंग जेबोचुन को बहुत ही वरीड नज़र से देख रहा था, सेम एक्सप्रेशन जेबोचुन का भी था। तभी वहाँ पर आयुवान आया, वो जेबोचुन से बात करने के लिए डिमांड कर रहा था एंड लंजा मान भी गया। आयुवान जेबोचुन से बात कर रहा था एंड लंजा जेबोचुन को चाय सर्व कर रहा था। जब विंग ने चाय के कप की तरफ देखा, उसे और भी ज़्यादा गिल्टी फील हुआ, सैड फील हुआ। वो सोच रहा था, ये टी पॉट उनके लिए शोभा नहीं देता। वो सोच रहा था शायद गुसू में सर्वेंट्स भी इससे अच्छा टी पॉट्स यूज़ करते हैं। उसे लगा था जेबोचुन अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे, वो टी पॉट को फेंक देंगे, तलवार निकालेंगे एंड विंग को वॉर के लिए इन्वाइट करेंगे। बट सरप्राइजिंगली ऐसा नहीं हुआ। जेबोचुन सबके साथ पोलाइटली बात कर रहे थे, आयुवन के साथ, लंजे के साथ। उन लोगों ने एक साथ चाय भी पिया। धीरे धीरे जेबोचुन के फेस से टेंशन गायब हो रहा था। वो लोग एक साथ खाना भी खा रहे थे, बट वो लोग साइलेंस थे। जब वो लोग खाना खा रहे थे, विंग बार बार जेबोचुन को देख रहा था। उसे पता नहीं था कि वो जेबोचुन को क्या कहेगा, सेम एज जेबोचुन, उन्हें भी पता नहीं था कि वो विंग को क्या कहेंगे। लंजा ने भी कुछ भी नहीं कहा। उन लोगों ने एक साथ साइलेंटली चाय पिया। कुछ टाइम बाद आयुवान ग्रैनी के पास चला गया। देन जेबोचुन एंड विंग ने बातें तो किया, बट बहुत ही कम्फर्टेबल बातें नहीं था, क्योंकि उन्हें भी पता नहीं कि वो लोग एक दूसरे को क्या कहेंगे। देन विंग ने जेबोचुन को बुरियल माउंट्स टूर कराया। जेबोचुन ने चुपचाप सब कुछ देखा। उन्होंने थॉटफुल क्वेश्चंस भी किया एंड प्लानिंग के बारे में पूछा एंड विंग ने सब कुछ बताया। एंड विंग ने कहा कि जेबोचुन प्लानिंग में इंटरेस्टेड भी है। देन दोपहर को उन लोगों ने एक साथ लंच किया। लंच में सिर्फ स्टीम्ड फिश, राइस एंड वेजिटेबल्स था। जेबोचुन ने एक भी कंप्लेंट नहीं किया। उन्होंने चुपचाप खाना खाया एंड चाय भी पिया। देन जब विंग डिश वॉश कर रहा था, जेबोचुन ने अपने भाई के साथ कुछ प्राइवेटली बातें किया। देन फाइनली जेबोचुन ने अपने भाई को टाइटली हग किया। ये देख के विंग को अच्छा लगा, बट विंग जेबोचुन को बाय कहने के लिए नहीं जा पाया। उसे बहुत ही डर लग रहा था। बट जेबोचुन ने जाने से पहले लंजा को कुछ कहा, जो विंग को डिश वॉश करते टाइम सुनाई दिया। जेबोचुन ने लंजा से कहा, मैं एल्डर्स को एग्री कराने की कोशिश करूँगा, मुझे लेटर भेजते रहना, ठीक है? लंजा ने नोट किया। देन लंजा जेबोचुन को लेकर बाहर चले गए। एंड विंग डिश वॉश कर रहा था। वो सोच रहा था कि जेबोचुन क्या कहना चाहते थे, वो किस बारे में एल्डर्स को एग्री कराएंगे। क्या वो ये चाहते कि लंजा यहाँ से चले जाए उनके साथ? ऑफकोर्स यही होगा, वो अपने भाई को यहाँ से लेकर जाएंगे। देन विंग को याद आया कि जेबोचुन ने लंजा को कहा लेटर भेजते रहना, इसका मतलब जेबोचुन आज तो लंजा को लेकर नहीं जाएंगे, शायद कुछ दिन बाद लेकर जाएंगे। इसका मतलब कुछ दिन बाद लंजा फिर से चला जाएगा एंड विंग अकेला पड़ जाएगा। बट विंग सेल्फिश नहीं हो सकता, अगर लंजा जाना चाहता है तो विंग उसे जाने देगा। विंग ये सब सोचते हुए बहुत ही फोर्सफुली डिश वॉश कर रहा था। वो सोच रहा था कि वो लंजा को हैप्पी देखना चाहता है एंड अगर लंजा इससे हैप्पी होगा तो विंग ये सब एक्सेप्ट करेगा। बट विंग को मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छा लग रहा है, उसके पास एक अच्छा हस्बैंड है जो उसके लिए सब कुछ करता है, उसका ख्याल रखता है, उसके घर का ख्याल रखता है। जब भी विंग अपने हस्बैंड को प्रेजेंट देता है, उसका हस्बैंड स्माइल करता है। विंग ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका मैरिड लाइफ ऐसा होगा, इतना अच्छा होगा। अब विंग को मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि उसके पास एक हैप्पी हस्बैंड था। विंग इस लाइफ को एंजॉय कर रहा था। बट क्या होगा अगर लंजा फिर से हैप्पी होना बंद कर दे तो, अगर वो स्माइल ना करे तो, अगर वो विंग से नफरत करे तो? इससे अच्छा तो यही है कि लंजा इस मैरिज को तोड़कर अपने घर वापस चले जाए एंड हैप्पी रहे। विंग ने विंडो से देखा कि जेबोचुन फाइनली वहाँ से चले गए एंड कुछ टाइम बाद लंजा रूम के अंदर आया एंड डिशेस को ड्राई करने लगा। विंग ने कहा, वेल तुम्हारा भाई बहुत ही अच्छा इंसान है। लंजा ने हूँ कहा। देन लंजा टी पॉट को ड्राई कर रहा था एंड विंग लंजा के हाथों को देख रहा था। वो सोच रहा था लंजा का हाथ कितना ब्यूटीफुल है। जब लंजा घर का काम करता है, लाइक कपड़े धोना, फ्लोर को पोंछना,
खाना बनाना, तब लंजा कितना अच्छा दिखता है। बट विंग भूल ही चुका था कि लंजा सिर्फ हाउस हस्बैंड नहीं है, सिर्फ उसका हस्बैंड नहीं है, वो एक अमेजिंग कल्टीवेटर है, बहुत ही टैलेंटेड है, उसका खुद का तलवार है। वो एक फार्मर का हस्बैंड बनने के लिए नहीं बना है, वो कुछ और भी कर सकता है। वो बहुत ही पावरफुल है, उसका जगह यहाँ पर नहीं है। जब विंग टेबल पे बैठ के ये सब सोच रहा था, लंजा चाय बनाने के लिए टेबल पे आया। विंग ने कहा, क्या तुम अपने भाई के साथ वापस जा रहे हो अपने घर? विंग ने ये बात बहुत ही वीकली कहा, लगभग सुनाई ही नहीं दिया, पर लंजा को सुनाई दिया था। एंड विंग की बातें सुन के लंजा बिल्कुल फ्रोज हो गया था। वो विंग को देखने लगा। कुछ टाइम बाद विंग को देखने के बाद लंजा ने कहा, हम मैरिड है। विंग ने कहा, वेल मुझे पता है। लंजा ने टी केटल को फायर के ऊपर चढ़ाया एंड देन विंग की तरफ फिर से देखा और कहा, विंग स्पाउस को एबंडनिंग करना फॉरबिडन है। इस बार लंजा के वॉइस में एक बॉदरनेस था। ये देख के विंग को अच्छा नहीं लगा। उसके स्लीप में एक छोटा सा होल हो गया था। वो उस चीज़ को लेकर खेल रहा था एंड सोच रहा था कि लंजा हमेशा उसे डांटता है, बॉसिंग करता है तो विंग को अच्छा लगता है, पर लंजा कभी भी ऐसे बात नहीं करता। बट इस बार लंजा के वॉइस में एक बॉदरनेस था, जैसे कि वो विंग के फुलिसनेस से अब थक चुका है। विंग को पता नहीं था कि वो कैसा रिस्पॉन्स करेगा। वो अपने स्लिप को लेकर सिर्फ खेले ही जा रहा था। लंजा ने कुछ टाइम तक विंग को देखा एंड स्टडी किया और कहा, हम मैरिड है एंड अभी तक हमारा बर्गेन फुलफिल नहीं हुआ है। ये बोल के लंजा ने विंग के शेस्ट को पकड़ा एंड बेड तक खींचकर लेकर गया। दिन लंजा ने विंग के कपड़े उतारा एंड बेड पर पुश कर दिया, क्योंकि अब ये रूम उनका है, उन्हें डिस्टर्ब करने वाले कोई भी नहीं है, क्योंकि सबके लिए अलग अलग रूम है। तो अब लंजा एंड विंग अपना पर्सनल टाइम स्पेंड कर सकते हैं। देन उन लोगों ने लव मेकिंग किया एंड लव मेकिंग करते टाइम लंजा ने विंग को बहुत ही डीप किस किया, जैसे कि लंजा विंग को क्लेम कर रहा हो। उनका लव मेकिंग हो जाने के बाद लंजा ने विंग को एंड खुद को चाय सर्व किया। वो दोनों अभी तक नेकेड ही थे। देन लंजा विंग के कपड़े को लेकर स्टिचिंग करने बैठ गया विंग के पास ही। लंजा स्टिचिंग कर रहा था एंड विंग चाय पी रहा था एंड सोच रहा था, इसका मतलब लंजा उसे छोड़कर नहीं जाएगा। बट विंग अभी तक सोच रहा था कि जबोज ने जो कुछ भी कहा वो किस बारे में था। तो विंग ने अपने फेस को लंजा के शोल्डर में रखा और कहा, वो एलर्स को किस बारे में कन्विंस करेंगे? लंजा स्टिचिंग कर रहा था, उसने कहा, विंग ने कहा, तुम्हारा भाई, उन्होंने कहा ना कि वो एलर्स को कन्विंस करेंगे, तो वो किस बारे में था? लंजा ने कुछ टाइम के लिए ब्लिंक किया एंड देन उसने कहा, एलर्स ने मेरे मैरिज पोर्शन को देने से मना कर दिया, क्योंकि मैंने उनके परमिशन के बिना ही शादी किया एंड ब्रदर चाहते हैं कि वो मैरिज पोर्शन मुझे मिले, तो इसलिए। बट एल्डर्स ऑब्जेक्ट कर रहे हैं एंड भाई अभी उन्हें डिजोबे नहीं कर सकते। ये बोलने के बाद लंजा का स्विचिंग करना हो गया एंड वो विंग के कपड़े को फोल्ड करके एक जगह पर रख दिया। देन लंजा ने टीकप्स को टेबल पर रख दिया एंड कैंडल्स को बुझा दिया एंड वो बेड पर वापस आ गया। विंग ने कहा, ओ। बेड पर आने के बाद लंजा विंग के वेस्ट को पकड़ के सो गया। वो दोनों ऐसे ही एक साथ लेटे हुए थे। विंग ने कहा, वेल हमें और मनी की ज़रूरत नहीं है। ये बोल के विंग लंजा के हेयर के साथ खेल रहा था एंड सोच रहा था उनके पास बहुत सारा मनी है अभी तक, जो वो लोग वेंड्रोवन के घर से लाए थे, उन्हें और कोई मनी की ज़रूरत नहीं है। लंजा ने कहा, मैंने भाई को बता दिया है कि हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, बट उन्होंने कहा है कि उन्हें हमारे सिचुएशन के बारे में लेटर भेजना होगा। विंग ने कहा, तुम्हारा भाई तुम्हें मनी देना चाहता है? ये बोलकर विंग सोच रहा था कि उनको मनी की ज़रूरत तो नहीं है, बट अगर लंजा का भाई उसे मनी देना चाहता है तो ठीक है, इससे लंजा एंड उसका भाई का रिलेशन बना रहेगा। विंग नहीं चाहता कि लंजा अपनी फैमिली को खो दे एंड वैसे भी विंग काम तो कर सकता है, बट वो लंजा को वो सब कुछ नहीं दे सकता जो लंजा डिज़र्व करता है। तो अगर लंजा के पास मनी रहेगा तो वो अपने आप को वो सब कुछ प्रोवाइड कर पाएगा जो विंग नहीं कर पाएगा। बट स्टिल विंग को बहुत ही अनइजी फील हो रहा था। तभी लंजा ने कहा, हमें मनी की ज़रूरत नहीं है, हमारे फंड्स ख़त्म होने से पहले ही हम सेटल हो जाएंगे। ये सुन के विंग की आंखों में आंसू आ गया।
जब भी लंजा सेलरमैन की बात करता है विंग की आंखों में आंसू आ जाता है। लंजा का विंग के ऊपर कितना भरोसा है, कितना ट्रस्ट है, बट विंग सोचता है क्या होगा अगर विंग सब कुछ प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो, क्या होगा अगर सब कुछ ख़त्म हो गया तो, क्या होगा अगर विंग फेल हो गया तो। ये सब सोचते हुए विंग की आंखों में आंसू आ गया। विंग ने कहा, वेल, क्योंकि मेरा हस्बैंड बहुत ही स्मार्ट एंड इकोनॉमिकल है। ये बोल के विंग सोच रहा था, ये बात तो सच है, अगर लंजा ना होता तो ये सब नहीं हो पाता, लंजा हर चीज़ का ख्याल रखता है। विंग अभी तक बहुत ही वरीड एंड सैड था, उसकी आंखों से आई भी आंसू निकल रहा था एंड लंजा ने शायद ये सेंस कर लिया था। तो लंजा ने कहा, विंग शांत हो जाओ एंड सो जाओ। ये बोल के लंजा ने विंग के आईब्रोज पे अपने फिंगर्स फहराया एंड देन उसके चेस्ट में अपने सिर रख के सो गया। कुछ टाइम बाद विंग ने विस्पर करते हुए कहा, ठीक है लंजा, ठीक है, मैं अब चिंता नहीं करूँगा, मैं सोऊंगा, ठीक है। लंजा ने आंसर नहीं किया क्योंकि लंजा ऑलरेडी सो चुका था एंड देन लंजा को होल्ड करके विंग भी सो गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट, मुझे ज़रूर बताना हाँ। एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।